हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर सिक्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द बहमनी किंगडम वाज कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। बहमनी किंगडम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये जो था उत्तर भारत और साउथ भारत के बीच पुल का काम करता था। अब एहम्स के बारे में पढ़ते हैं। द एहम्स ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलियन ट्राइब ऑफ बर्मा। जो एहम होते थे वो एक जाति थे बर्मा के। दे कंसोलिडेट देयर किंगडम इन द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्रा वैली एग्जाम्पल एरिया ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड असम। और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था ब्रह्मपुत्र वैली में, ब्रह्मपुत्रा की घाटी में, जैसे कि नॉर्थ बंगाल में और असम में। द नेम असम इज ड्राइव्ड फ्रॉम एहम। और एहम जो है उसी शब्द से असम शब्द का निर्माण हुआ, जो कि एक राज्य है भारत का। कामारूपा वाज अनदर किंगडम देयर। एक और साम्राज्य था वहाँ पे जिसका नाम था कामारूपा। बोथ ऑफ देम वेयर हिंदू किंगडम्स। और दोनों जो थे वो हिंदू साम्राज्य थे। नुसरत शाह ऑफ बंगाल वांटेड टू कैप्चर दिस किंगडम्स बट कुड नॉट सक्सीड। और नुसरत शाह जो थे बंगाल के नवाब थे, वो चाहते थे दोनों साम्राज्यों पर कब्जा कर लेना, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड एहम वाज रूल्ड बाई साहुगमिंग। और इस काल के दौरान जो अहम पे रूल करते थे वो सुहुनगिमिंग थे। ही मेड अहम अ वेरी एहम वेरी स्ट्रोंग किंगडम एंड इट वाज गिवन टू द नेम असम। और उन्होंने अहम जो साम्राज्य था उसे काफी ताकतवर बनाया, मजबूत बनाया, और इट वाज गिवन द नेम, और उन्हीं के द्वारा नाम दिया गया था असम। दिस डायनेस्टी रूल फ्रॉम मोर देन 600 ईयर। और ये जो डायनेस्टी थी उन्होंने लगभग 600 सालों तक राज किया। मेवाड़ पढ़ते हैं। द सिसोदिया राजपूत इस्टेब्लिश देयर पावर इन मेवाड़ इन द 8th सेंचुरी। जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने अपने पावर को इस्टेब्लिश किया था मेवाड़ में 8वीं सदी में। इन 1303 AD चित्तौड़ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ केम अंडर द कैपिटल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का जो कैपिटल था मेवाड़, वो उस पर कंट्रोल कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, उसकी मौत के बाद, इट अगेन वेंट बैक इनटू द हैंड ऑफ राजपूत बिकॉज ऑफ हीरोइक एफर्ट ऑफ राणा हमीर। और अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद मेवाड़ पे फिर से कब्जा कर लिया, फिर से कंट्रोल कर लिया राजपूत ने, क्योंकि जो इनके राणा हमीर थे उन्होंने काफ़ी अच्छा एफर्ट दिखाया। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ वेयर राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। और जो मेवाड़ के प्रमुख रूलर्स थे, मशहूर शासक थे, वो थे राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। राणा कुंभा वाज अ वेरी ब्रेव जनरल एंड एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। और राणा कुंभा बहुत ही बहादुर सेनापति थे और एक आउटस्टैंडिंग शासक थे मेवाड़ के। ही हैड बिल्ट 32 फोर्ट्स फॉर द डिफेंस ऑफ मेवाड़। उन्होंने 32 किलो का निर्माण कराया मेवाड़ की रक्षा के लिए। राणा कुंभा कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिसियंट कृति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा। और राणा कुंभा ने एक अद्भुत, एक खूबसूरत कृति स्तंभ का निर्माण कराया मालवा को जीतने के बाद, उसकी याद में एक कृति स्तंभ का निर्माण कराया। ही वाज अ वेरी लर्न्ड रूलर। वो काफ़ी विद्वान शासक थे। ही वाज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट यानी कि वो कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, कई सारी भाषा जानते थे। ऑथर, ऑथर यानी लेखक भी थे, पुस्तकें भी लिखते थे। आर्किटेक्ट भी थे, यानी भवन का, भवन निर्माण का ये करते थे, क्या कहते उसे, कैसे कोई भवन बनेगा उसके लिए उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। एंड अ वीना प्लेयर ऑफ रिप्यूट। और एक अच्छे वीना प्लेयर थे। वीना प्लेयर आप लोग जानते होंगे, माँ सरस्वती वीना बजाती थी। राणा संग्राम सिंह पॉपुलरली नॉन एज राणा संगा, ग्रैंड सन ऑफ राणा कुंभा, रूल्ड मेवाड़ ड्यूरिंग 15th century। और राणा संग्राम सिंह जिन्हें पॉपुलरली जाना जाता है राणा संगा के नाम से, वो राणा कुंभा के ग्रैंड सन पोते थे और उन्होंने मेवाड़ पे 15वीं सदी के दौरान राज किया। ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ वास्ट राजपूत एम्पायर बट इट रिमेन्ड ओनली अ ड्रीम।
ही वॉज अ ग्रेट जनरल हु हैड वोन मेनी बैटल्स बट ही लॉस्ट द बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट बाबर इन 1527। और जो राणा सांगा थे वो चाहते थे कि वो एक विशाल साम्राज्य बनाए, राजपूत साम्राज्य बनाए विशाल, लेकिन ये उनका सपना ही रह गया। ही वॉज अ ग्रेट जनरल, वो एक अच्छे सेनापति थे, हु हैड वोन मेनी बैटल, वो बहुत सारे युद्ध जीते थे, लेकिन वो खानवा के युद्ध में बाबर से हार गए। मेनी राजपूत रूलर वेयर वुड बाय द मुगल एक्सेप्ट मेवाड़, और बहुत सारे राजपूत जो है वो जीत लिए गए मुगलों के द्वारा, बस मेवाड़ को छोड़कर। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुंभलगढ़ फोर्ट है और ये कृति स्तंभ एट चित्तौड़। इन 1567 एम्परर अकबर डिसाइडेड टू टीच इट अ लेसन। अब 1567 में जो मुगल शासक थे अकबर, उन्होंने निर्णय लिया कि इन्हें एक सिख पाठ सिखाया जाए, इन्हें लेसन सिखाया जाए। ही अटैक्ड चित्तौड़गढ़ एंड रेज इट टू द ग्राउंड। उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उसे तबाह करना चाहा। 5 years लेटर महाराणा प्रताप राइन 1572-97 केम टू रूलर मेवाड़ अ किंग विदाउट अ कैपिटल। और 5 साल बाद जो महाराणा प्रताप थे वो शासक बने, जो 1572 से 1597 तक रहे मेवाड़ के शासक। इन्हें अ किंग विदाउट अ कैपिटल भी कहा जाता था, यानी एक ऐसा राजा जिसकी राजधानी नहीं है। ही कन्फ्रंटेड द इम्पीरियल आर्मी एट हल्दी घाटी इन 1576। इन्होंने इम्पीरियल आर्मी, जो मुगल की आर्मी थी, उसका सामना किया हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी 1576 ईस्वी में, 1576 में। महाराणा प्रताप एंड हिज फॉलोअर्स विथड्रू टू द हिल्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम वेयर दे कंटिन्यू टू हरास द मुगल थ्रू गुरिल्ला वारफेयर फॉर द नेक्स्ट 20 years। और जो महाराणा प्रताप थे और उनके जो फॉलोअर थे, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने मेवाड़ के हिल को विद्रोह छोड़ दिया और वो जाकर हरास परेशान करने लगे मुगलों को। कैसे? गुरिल्ला वारफेयर, एक गुरिल्ला युद्ध कला होती थी जिसमें छुपकर घात लगाकर अचानक हमला कर दिया जाता था। जो ये गुरिल्ला वारफेयर था वो लगभग नेक्स्ट 20 years 20 सालों तक चला। मारवाड़ पढ़ते हैं। द राठौर ऑफ राजपूताना फाउंडेड द स्टेट ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग द 13th century। राठौर ऑफ राजपूताना फाउंडेड द स्टेट ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग द 13th century। जो राठौर थे राजपूताना के, उन्होंने मारवाड़ की स्थापना की 13वीं सदी में। राव जोधा वाज एन इम्पोर्टेंट किंग ऑफ मारवाड़। और जो राव जोधा थे वो एक प्रमुख राजा थे मारवाड़ के। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर विच बिकेम द कैपिटल ऑफ मारवाड़। उन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की जो बाद में मारवाड़ की राजधानी बनी। ही बिल्ट द फेमस फोर्ट ऑफ मेहरगढ़ एट जोधपुर। जोधपुर में जो मेहरगढ़ किला है उसका निर्माण भी इन्होंने ही कराया। हिज सन राव बीका फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानर। और जो राव जोधा के बेटे थे राव बीका, उन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना की। बीकानेर आप लोग जानते होंगे राजस्थान में है। मेवाड़ एंड मारवाड़ वेयर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर विच मेड देम वीक। और जो मेवाड़ और मारवाड़ था वो कॉन्स्टेंटली लगातार युद्ध में शामिल रहा, जिससे कि ये कमजोर होते गए। अब कश्मीर पढ़ते हैं। कश्मीर वाज रूल्ड बाय हिंदू रूलर्स। और कश्मीर जो था वो हिंदू शासकों द्वारा राज किया जाता था वहाँ पे। ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन द फॉरनर्स कुड नॉट कैप्चर इट। और आप कश्मीर को देखेंगे तो इसका जियोग्राफिकल कंडीशन यानी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे कि जो विदेशी थे, जो विदेशी आए थे भारत पे कब्जा करने, वो कश्मीर पे कब्जा नहीं कर पाए। इट इज क्योंकि वहाँ पे पहाड़ बहुत है, पहाड़ियाँ बहुत है, वहाँ पे बर्फ बहुत गिरता है, ठीक है, इसलिए स्थिति ऐसी नहीं थी कि फॉरनर वहाँ पे कैप्चर कर सके। इन द मिडिल ऑफ द 14th century शाह मिर्जा एस्टेब्लिश द मुस्लिम रूल इन कश्मीर एंड एंडेड द हिंदू रूल। और 14th century के मध्य में शाह मिर्जा ने मुस्लिम रूल की स्थापना कश्मीर में की और हिंदू रूल का खात्मा किया। ही सक्सेसर सिकंदर शाह एंड जैनुल आबिदीन वे द फेमस रूलर ऑफ कश्मीर। और उसके सक्सेसर हुए यानी उनके आगे आने वाले राजा बने जो सिकंदर शाह थे और जैनुल आबिदीन थे, जो कि फेमस रूलर थे कश्मीर के।
जैनुल आबिदीन वाज अ लिबरल एंड फार साइटेड रूलर। जैनुल आबिदीन था वो काफी लिबरल यानी कि काफी दया करने वाला, सभी को साथ लेकर चलने वाला शासक था एंड फार साइटेड रूलर और दूरदर्शी भी, दूर की सोचता था। ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टुवार्ड द हिंदूज। ही बैंड द काउ स्लॉटर्स, एबॉलिश जजिया और हिंदूज एंड गिव हायर पोजिशन जॉब टू देम। और देखिए जो जैनुल आबिदीन थे कितने अच्छे थे, उन्होंने नीति अपनाई थी रिलीजियस टॉलरेंस की यानी सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करने की नीति अपनाई थी उन्होंने। उन्होंने काउ स्लॉटर जो गाय का ये होते थे बुचड़खाने होते थे तो उनको बैन कर दिया कि गाय को काटना बैन कर दिया। एबोलिश जजिया ऑन हिंदू, जजिया कर जो लगता था, पहले भी मैंने बताया था कि जो मुस्लिम धर्म के अलावा कोई और धर्म के लोग होते थे उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इसे जजिया कहा जाता था। उन्होंने वो भी बंद कर दिया जजिया कर भी एंड गेव हायर पोजिशन जॉब टू देम, और हिंदुओं को हायर पोजिशन जॉब देने लगे अपने ऑफिस में या फिर अपने साम्राज्य में, उनको एक ऊँचा पद देने लगे। ही गोट महाभारत एंड राज तरंगिनी ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन एंड अरेबिक। उन्होंने महाभारत जो कि हमारा महाकाव्य है, एपिक है, राज तरंगिनी, उसको पर्शियन और अरेबिक में ट्रांसलेट कराया ताकि वो सभी लोग पढ़ सके। ही गोट द क्लासिक ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक ट्रांसलेटेड इंटू संस्कृत। उन्होंने जो पर्शियन और अरेबिक लिटरेचर था, साहित्य था, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया। आबिदीन इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स, इन्होंने चांदी के और तांबे के सिक्के इशू किए। लाइक अलाउद्दीन खिलजी ही इंट्रोड्यूस कंट्रोल ऑन मार्केट एंड प्राइसेस, और अलाउद्दीन खिलजी की तरह इन्होंने भी मार्केट पर कंट्रोल करने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने की नीति अपनाई। ही ऑल्सो इम्पोर्टेड द आइटम विच वेयर इन शॉर्टेज, ही ऑल्सो इम्पोर्टेड द आइटम विच वेयर इन शॉर्टेज लाइक सॉल्ट फ्रॉम लद्दाख, और वो कुछ सामानों को इम्पोर्ट भी करते थे, मंगाते थे जो कि इनके राज्य में नहीं मिलती थी, जैसे नमक, नमक ये लोग लद्दाख से इम्पोर्ट करते थे। सुल्तान इनकरेज मेनी क्राफ्ट्स लाइक सॉल एंड कारपेट वीविंग, स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग इन ऑर्डर टू डेवलप द स्टेट इकोनॉमी एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपुल। और जो सुल्तान थे उन्होंने कई सारी हस्तकलाओं को भी इनकरेज किया, जैसे कि साल बनाना, कश्मीर का सॉल आप जानते हैं कितना फेमस है, कारपेट वीविंग चटाई बनाने की कला को भी, स्टोन कटिंग पत्थर काटने की कला एंड पॉलिशिंग इन ऑर्डर टू डेवलप द स्टेट इकोनॉमी, इन्होंने इसे बढ़ावा दिया ताकि अपने आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट रोजगार दिया जा सके। जैना लंका एंड आइसलैंड इन वुलर लेक इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ इंजीनियरिंग स्किल ऑफ दैट पीरियड। और एक जैना लंका एक जगह है जो वुलर लेक में स्थित है, वुलर लेक के एक आइलैंड में स्थित है, वुलर झील आप लोगों ने सुना होगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, उसके एक आइलैंड में स्थित है फाइन स्पेसिमेन जो कि एक इंजीनियरिंग कुशलता का परिचय देता है उस पीरियड का। जैनुल आबिदीन बिल्ट हिज पैलेसेस एंड अ मॉस्क्यू ऑन दिस आइलैंड, और जैनुल आबिदीन ने अपना महल और एक मस्जिद का निर्माण कराया था इस आइलैंड पे। ही इज रिमेम्बर्ड एज बादशाह द ग्रेट किंग ऑफ द कश्मीर, और वो एक ग्रेट किंग महान राजा के रूप में याद किए जाते हैं कश्मीरियों के द्वारा, एक बादशाह के रूप में याद किए जाते हैं, ठीक है। और जो ये था जो उन्होंने निर्माण कराया था जैना लंका, ओके, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग अगर किसी चीज़ के बारे में जानना होगा अगर विस्तार से, तो आप जानते ही आजकल बहुत सारे सोर्स मौजूद है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल है, जैसे कि आपको अगर जैना लंका के बारे में ही जानना होगा तो आप सिंपली गूगल में जाएंगे और उसे सर्च करेंगे तो आ गया वंस फेमस हेरिटेज साइट जैना लैंक इन वुलर लेक। देखिए आ गया, अब इसका इमेज भी आप देख सकते हैं कि ये क्या था, तो देखिए पानी के बीचों बीच मौजूद एक जगह थी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू।